हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज माय चैनल क्लियर योर डाउट। इफ यू आर अ जेईई स्टूडेंट और नीट यूजी स्टूडेंट, यू कैन आस्क योर फिजिक्स डाउट जस्ट बाय जॉइनिंग टेलीग्राम ग्रुप। लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन कमेंट योर डाउट इन एनी ऑफ द वीडियोस ऑफ माय चैनल। आई विल एक्सप्लेन द डाउट, आई विल क्लियर योर डाउट थ्रू माय वीडियोस in subsequent videos. Okay, so let's just start with this question. This question has been asked in NEET 2020. Actually, I'm not sure about the year, but it has been asked in the previous year of NEET UG. Okay, let's just do this question. It is very easy. So two particles A and B are connected by rigid rod AB. The rod slides along a perpendicular rails. So which one is rod AB? So this is the rod AB. Okay, and two particles A and B. So in a way, A and B are the end points of the rigid rod. ये rod है, rod के दोनों end पे एक particle इधर है, एक particle इधर है. Okay, the rod slides along perpendicular rails as shown in here, as shown. Okay, अगर ये rod ऐसे slide करेगा, तो जो ये point होगा A, this will go in this direction, and it is given that it is 10 meter per second. देन आपको फाइंड आउट करना है बी की वेलोसिटी किधर होगी। बाय द वे, अगर ये परपेंडिकुलर रेल्स ये जो है, ठीक है, ये फिक्स है। परपेंडिकुलर रेल्स आपके पास क्या है, ये वाला और ये वाला। अगर ये फिक्स है तो बी वाला पॉइंट किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, राइट। आप एक बार बताओ, अगर डी टी टाइम में, एक छोटे से टाइम इंटरवल में, ये मान लो कितना गया, एक्स इधर स्लाइड हुआ और बी नीचे कितना आया, वाई स्लाइड हुआ, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट स्लाइड होंगे, देन आप एक बार बताओ वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, राइट। ठीक है, तो टैन 60 की वैल्यू आपको पता है, टैन 60 क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। अगर dt टाइम में ये dx स्लाइड हो रहा है तो, और d y नहीं, dt टाइम में ये dy स्लाइड हो रहा है, ये ध्यान देना। मैंने x और y बोल दिया है, सॉरी अबाउट दैट, तो आप करेक्ट कर लेना। tan 60 इज रूट 3, आपको याद होना चाहिए ये सब वैल्यूज, y इक्वल टू x रूट 3, राइट। एंड व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डिफरेंशिएट इट, आपको dy बाई dt चाहिए, राइट। dy बाई dt करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इंटू रूट थ्री। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, निकालना है वी बी, और डी एक्स बाई डी टी कितना है, टेन, टेन रूट थ्री। सो दिस इज योर आंसर, मीटर पर सेकेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में समझने के लिए प्लीज़ कीप आस्किंग योर डाउट्स, एंड Do subscribe to my channel if you are new to this video. अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो आप, तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। And you can ask your doubt. So NEET and JEE student, have a great learning. All the best. Thank you. Okay. See you in next video.